हाथ से हवा में होते हैं तो दहलती जमीन भी है। आसमान में हुई दुर्घटनाओं ने जमीन में भूचाल लाने का काम किया है। इब्राहिम रायसी का हेलीकॉप्टर तेहरान से 600 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में अजरबैजान प्रांत की सीमा के पास जोल्फा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रईसी अमेरिकी हेलीकॉप्टर में सवार थे। रईसी के साथ ईरान के विदेश मंत्री सवार थे। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 9 लोगों की मौत हो गई। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत आधुनिक हेलीकॉप्टर का दावा करने वाली तकनीकी पर तमाचा है, जो बताता है कि चाहे आम हो या फिर खास, हवाई यात्रा में कोई महफूज नहीं है। एयर क्रैश में कई वीवीआईपी अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले हेलीकॉप्टर अब उनकी मौत के गवाह ही नहीं बल्कि मुजरिम भी बने हैं। प्लेन दुर्घटना में ऐसे बड़े नाम अपनी जिंदगी गंवा गए जिनके बारे में जब सुना तो दुनिया स्तब्ध रह गई। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जिया उल हक प्लेन हादसे में मारे गए। क्रिकेट और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान हैंसी क्रोनिए हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी दिल्ली में प्लेन क्रैश में मारे गए। ऐसे ही अलग अलग दिग्गजों की तकदीर ने हवा में दगा दिया और वो बेवक्त जिंदगी से दूर हो गए। 8 दिसंबर 2021, नीलगिरी, तमिलनाडु। हेलीकॉप्टर हादसे में समूचा देश तब स्तब्ध रह गया जब 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर आई। इस खबर ने देश को हिला कर रख दिया। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल रावत के निधन की खबर से देश स्तब्ध रह गया। इस दुर्घटना में उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी निधन हो गया। जनरल रावत के साथ हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे। 8 अप्रैल 2024, ऐसा ही एक हादसा केन्या के आर्मी चीफ के साथ हुआ। केन्या के आर्मी चीफ जनरल फ्रांसिस ओमोंडी ओगोला हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। ओगोला का हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के तुरंत बाद ही क्रैश हो गया था। हेलीकॉप्टर में 9 लोग सवार थे। 6 फरवरी 2024 के दिन चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिगुएल जुआन सेबास्टियन पिनेरा हेलीकॉप्टर क्रैश का शिकार हो गए। वो खुद हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे। उनका हेलीकॉप्टर टकराकर झील में गिर गया था। वो सेफ्टी बेल्ट नहीं खोल सके और झील में डूबने की वजह से मर गए। 17 अगस्त 1988 बहावलपुर। पाकिस्तान के जनरल और सैन्य तानाशाह मोहम्मद जियाउल हक भी हवाई हादसे का शिकार हुए। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलटकर सत्ता हासिल की थी। 17 अगस्त 1988 को पाकिस्तान के बहवालपुर में उनका विमान हवा में चक्कर खाने लगा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 1 जून 2002 जोहानसबर्ग। साउथ अफ्रीकी क्रिकेट टीम के कप्तान हैंसी क्रोनिए ने अपने खेल से दुनिया में नाम कमाया था, लेकिन सट्टेबाजी ने उनके करियर को तबाह कर दिया था। भारतीय सट्टेबाज से पैसा लेने की बात कबूल कर क्रोनिए को क्रिकेट की कप्तानी और टीम से हाथ धोना पड़ गया। एक दिन वो प्लेन क्रैश का शिकार हो गए। उनकी मौत को भी रहस्यमय माना जाता है। क्रोनिए साउथ अफ्रीका के कामयाब कप्तानों में से एक थे। 1 जून 2002 के दिन जोहानसबर्ग के जॉर्ज के बीच हैंसी क्रोनिए का विमान क्रैश हो गया। वो अकेले पैसेंजर थे। पायलट लैंडिंग नहीं करा सका। 25 जून 1980, दिल्ली। 25 जून 1980 के दिन एक हवाई हादसे की घटना से देश शोक में डूब गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी हवाई हादसे का शिकार हो गए थे। रोजाना की तरह सफदरजंग हवाई अड्डे के पास स्थित दिल्ली फ्लाइंग क्लब में सुबह के समय संजय गांधी 2-सीटर प्लेन उड़ा रहे थे। ये प्लेन बहुत खास था क्योंकि इसे काफी मशक्कत के बाद ही भारत लाया जा सका था। इस प्लेन का नाम पिट्स S2A था। 21 जून को संजय गांधी ने इसे पहली बार उड़ाया। 23 जून को संजय इस विमान को कलाबाजिया खिला रहे थे कि अचानक कंट्रोल खो गया। विमान जमीन पर धराशायी हो गया। संजय गांधी का मात्र 33 साल की उम्र में आकस्मिक निधन हो गया।
दिलचस्प बात यह है कि संजय गांधी के साथ इस उड़ान में माधव राव सिंधिया भी शामिल होने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर संजय गांधी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना को लेकर फ्लाइट पर चले गए। भारतीय राजनीति के कई दिग्गज हवाई हादसे का शिकार हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस चंद्रशेखर रेड्डी, माधवराव सिंधिया, ओपी जिंदल, लोकसभा के पूर्व स्पीकर जीएमसी बाल योगी और अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम दोरजी खांडू शामिल हैं।